सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी सुबह हो चुकी है। कैसी नींद आई भैया? धुत बेहोशी वाली। अभी तो होश नहीं आ रहा, तो ये कुछ ऐसा नजारा है। भाग्या, हम लोग उठ के यहाँ पे गांव घूम रहे हैं भैया के साथ। भैया कह रहे चलो तुम्हें गांव घुमा के लाते हैं। अरे दातुन कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा, ये बंद कर रहा है। बंद कर रहा, बहुत कड़वी है भैया। आप क्यों नहीं कर रहे? मैं ब्रश लाया हूँ, मैं भी लाया हूँ ब्रश, तो ब्रश करेंगे आराम से हम। तो ये है पोखरा, यहाँ पे गाय भैंस नहलाते हैं। और ये टेम्पल्स क्यों बनाए हुए भैया? ये ऐसे छोटे छोटे यहाँ छठ की पूजा भी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे छठ की पूजा भी होती है। इसकी एक और स्टोरी है जो हम अभी नहीं बताएंगे आपको, भैया बताएंगे यहाँ से निकलने के बाद। तो हम जहाँ पे हैं यहाँ पे बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पे कितनी बार बाढ़ आई है? 3 बार ना, तीन मेजर जो है, 3 बार, 2001 में, फिर 17 में, फिर अभी रिसेंटली 2020 में आई थी बाढ़। 2020 में बाढ़ आई थी। तो और कितना बहुत कितना पानी बहुत आया था? पानी भर जाता है। एक्चुअली जो ग्राउंड लेवल है मेरे घर के सामने का, उससे लगभग 3 फीट ऊपर हमारा घर बना हुआ है, तो उस 3 फीट के ऊपर भी 1.5 फीट 2 फीट पानी भर जाता है। बताओ कितना पानी आया था यहाँ और पे। बहुत नुकसान होता है, फसल वसल तो सब जो खराब होती सो होती है। नेपाल जो है वो पानी छोड़ता है कभी कभी, जब उधर उनके डैम की तरफ पानी ज़्यादा हो जाता है तो डैम से पानी छोड़ते हैं, तो ये जितनी भी कनेक्टिंग रिवर से सब में पानी बढ़ जाता है, तो इधर सारे गांव में पानी भर जाता है। बहुत ज़्यादा फ्लड आया था यहाँ पे पूरे में। और उस टाइम पे बोट चल रही होती है यहाँ पे ना? हाँ, बोट चलती है, लोग सबके पास यहाँ पे बोट पाओगे घर में। क्योंकि जब से एक दो बार आई है तब से लोगों ने रखनी स्टार्ट कर दी है कि जब भी आए भाई कम से कम राशन वाशन खाने पीने का तो ले आए जाके। हाँ, कि लोग छत पे ही अपना जो व्यवस्था करके लोग वहीं पे वेट करते हैं पानी उतरने का। लोग कैंप्स वैम्प्स ला के रखे हुए हैं यहाँ पे। जब भी ऐसा कुछ आता है छत के ऊपर कैंप्स वैम्प्स लगा के छत पे रहते हैं, फिर उतना टाइम नीचे अपने घर के बाहर बोट लगा देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे पानी सिर्फ बर्मे से आता है। ब्रश करते हैं फटाफट। तो अभी हम जिस जगह पे हैं इसका नाम है छपरा, छपरा बिहार। बिहार के अंदर आए हुए हम। वाराणसी से करीब 300 किलोमीटर के आसपास आगे है ये जगह। तो यहाँ आए हुए हम, भैया का गांव है ये। तो यहाँ पे जो कुल देवी हैं उनको कार्ड चढ़ा रहे हैं वो लोग, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे वापस वाराणसी के लिए। तो अभी अंदर चलते हैं। तो अपन लोग अभी आ गए हैं छत पे, भैया के छत पे घूम रहे हैं। यहाँ पे ऊपर कैंप लगा रखा था और ये नीचे पूरा पानी था। हमारी जो गाड़ी है ये पूरी गाड़ी आराम से डूब जाएगी, इतना पानी था यहाँ पे। तो ये बहुत गुस्से वाली है। हाथ लगाने देगी नहीं वैसे। तो ये चारा है, ये गाय अभी छोटी है काफी। ये देखो बनाना ट्री, यहाँ पे केले बहुत होते हैं इस जगह पे। ये देखो रियल गुलाब। तो ये देखो कैसे एकदम टूटा पड़ा है घर। ये शायद से ये बाढ़ के टाइम पे लोग छोड़ के चले गए होंगे, आई थिंक सो, जब बाढ़ आई होगी। क्या हाल हो रखा है, बिल्कुल खंडर। रात को हम यहाँ पे बाहर, इसके बाहर यहीं पे, यहाँ पे रुके थे। हमें घर नहीं मिल रहा था और घर है वो सामने, वो रहा। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इधर उधर विजिट कर रहे हैं। हमने सोचा हम खुद भी घूम के आए। और ये टेम्पल है यहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट आ चुका है अपना, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। बस अब यहाँ से निकलेंगे सीधे वाराणसी के लिए। वहाँ पे पहुँचते हैं, देखो 4 से 5 घंटे लगेंगे अभी जाने में वापस। आधे टाइम 7 घंटे लगे थे, अब हम सोच रहे हैं कि 6 घंटे में पहुँच जाएं। हम रात को यहाँ पे रुके थे इसके अंदर। तो अपन अभी यहाँ पे कहीं पे पेट्रोल पंप पे रुके हैं बस वॉशरूम वॉशरूम के लिए, और यहाँ से निकलेंगे फटाफट
वाराणसी के लिए वाराणसी पहुंचेंगे, उसके बाद देखते हैं। आज शादी में भी जाना है, आज एक शादी भी अटेंड करनी है हम लोगों को, तो हमारे बैग वैग तो सारे वाराणसी में पड़े हुए हैं, बस यहाँ पे आए थे कार्ड देने। देखो ये देखो ये देखो फोटोशूट, देखो फोटोशूट चल रहा है इनका। वाजी वाह वाजी वाह। हाथी देखो बस अल्लाह फाइनली। अरे यार ऐसे कैसे निकाल रहे हैं भैया, हम हैं ना अभी जिंदा। हम फिर से आ गए उसी दुकान पे पकौड़े वाली दुकान। आंटी जी पकौड़े बहुत अच्छे, इस बार हमने ज्यादा ही मंगा लिए, ज्यादा नहीं कहेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं पीछे आ चुका हूँ, भैया चला रहे हैं गाड़ी, और भैया चला नहीं रहे, भैया उड़ा रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे हम। बस पहुंच चुके हैं घर, थोड़ी देर हो गई है, खाना वाना खा लिया, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, अब जा रहे हैं बियर्ड वियर्ड सेट करवाने भैया, और बस उनके साथ निकलते हैं। तो यहाँ पे शूज एकदम चमकाते हुए, भैया के शूज। अपन रेडी हो चुके हैं फॉर वेडिंग, एवन भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गया हूँ, बस निकलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं फिर आपको वेन्यू पे जाके। तो अपन बना रहे हैं मीठा खाना खुद, ये भी डालना होता है, ये भी, ये तो सेम ही है थी। मन कैसे करना है भैया, गा रहे हैं गाना। तो शादी हो चुकी है मस्त एकदम, बस हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। कोट वोट सब उतार दिया मैंने यार, कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा था यहाँ पे, शोल्डर में पेन होने लग गया मेरे। तो बस अभी निकलते हैं थोड़ी देर में और घर पहुंचते हैं, व्लॉग एंड करते हैं, उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह हमें जितनी जल्दी हम उठेंगे उतनी जल्दी हम निकलेंगे घर के लिए। तो अपन आ चुके हैं घर, अब हम सो रहे हैं मस्त आराम से, सुबह मिलते हैं आप लोगों से। गुड नाइट, अपना ध्यान रखो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।